हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? छोटों को मेरा प्यार, बड़ों को मेरा नमस्ते और साथ वालों को मेरा हेलो हाय। तो मैं हूँ प्रीति, आ गई हूँ अपना नया व्लॉग लेके आपके साथ। अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, मेरे घर के काम थोड़े बहुत हो गए, थोड़े मैंने छोड़ दिए अभी क्योंकि मेरी सास की तबीयत थोड़ी ख़राब है, उन्हें खांसी जुकाम हो रहा है। तो मैं उनको लेके जा रही हूँ डॉक्टर के पास दवाई दिलवाने के लिए। अभी 10 का टाइम हो रहा है तो मैं बाकी काम आके करूँगी, पहले उनको दवाई दिला देते हैं, उसके बाद मैं आके सारे काम कर लूँगी। तो फिर मैं आपको मिलूँगी। मैंने सोचा पहले आपको गुड मॉर्निंग हाय हेलो कर ले, व्लॉग अपना स्टार्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं चलती हूँ। तो मेरी भी अभी ऐसी चल रही है हालत, हो जाएगी ठीक। मौसम भी ऐसा हो रहा है, हमारे घर में मेरे हस्बैंड का भी खांसी स्टार्ट हो गई, मेरी सास को भी खांसी स्टार्ट हो गई और मेरे को तो पहले से थी। मेरा बेटा भी, उसको भी खांसी हो रखी है। हम चार मेंबर है, चारों को खांसी हो रखी है। बस मेरा मैक्स अभी थोड़ा सा ठीक है, भगवान वो ठीक ही रहे। मैं बहुत प्यार करती हूँ उसको, बहुत प्यारा बच्चा है मेरा वो। तो चलो हम चलते हैं, पहले मम्मी को दवाई दिला देते हैं, फिर आके मैं आपको वापस घर पे मिलती हूँ। ओके बाय। तो गाइस, मैं आज फिर से आ गई हूँ एफआरआई घूमने के लिए, मैं और मेरा बेटा देवी। हेलो फौजी अंकल, हेलो कर दो गाइस को। हेलो, कैसे हो? कैसे हो? आप कैसे हो? मैं तो आप कैसे हो? हम भी अच्छे हैं। तो हम दोनों माँ बेटे का कोई काम है नहीं, हम पधार जाते हैं हर दूसरे दिन एफआरआई में और यहाँ घूमने लग जाते हैं। बताओ। हेलो गाइस, आज हम ना कोई ऑफिस में घूमने, ताकि पापा भाई दादी को लेने दवाई दिलाने गए और ना दादी ठीक हो जाएगी, उसके बाद हम ना उसके बाद पहले ऑफिस से हम घर चले जो आपको मिलते घर जाके। मम्मी को मैंने दवाई दिलवा दी थी और उसके बाद मैं नवी को स्कूल से लेने आ गई थी और हम दोनों आ चुके हैं घूमने एफआरआई। और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, धूप बहुत तेज हो रही है। आपको दिखाती हूँ यहाँ के कुछ सीन, ये देखिए कितनी भीड़ हो रही है। खा लेना बेटा, ये देखिए यहाँ पर ये कुछ कॉलेज के बच्चे एफआरआई घूमने आए थे, तो वो पूरा स्टाफ आया था उनका, तीन दो तीन बसें थी तो वो लोग घूम रहे हैं, मैंने उनको भी कैप्चर कर लिया है। नवी, आपके हाथ में क्या है? किंडर जॉय। ये किंडर? अच्छा, कैप निकाल दो बेटा, गर्म हो रहे हैं ना। ये किंडर जॉय किसने दिलाया आपको? पापा ने, दादी ने। ओके चलो हम इसका किंडर जॉय खोल देते हैं। नवी ये लो अपना किंडर जॉय, खा लो आप। ठीक है, खा के बताना कैसा लग रहा है, आराम से खाना, गिरे ना। ओहो, आराम से खाना बेटा, गिरे ना। कैसा लग रहा है? कैसा है? अच्छा है, टेस्टी है, यमी यमी। देखिए बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, एंजॉय कर रहे हैं। कैसा है? ओके खा लो, एंजॉय बेबी। इसमें नवी के कुछ टॉयस निकले हैं। नवी को थोड़ा भूख लग रही थी क्योंकि उसने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था, वो जल्दी चले जाता है स्कूल तो ब्रेकफास्ट करके नहीं जाता है, तो उसने बोला मम्मा मुझे कुछ खाना है, तो मैंने उसके लिए कुछ ऑर्डर किया है। ये देखिए मैंने नवी के लिए एक छोटा सा बर्गर ले लिया है और नवी अब बर्गर खाएगा। नवी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। ओके तो मैं इसमें डाली, यहाँ पे मैं मम्मी के लिए रोटी और ये लौकी की सब्जी है क्योंकि उनके थोड़े गला ठीक नहीं था तो वो चावल नहीं खा रही है, तो मैंने उनके लिए लौकी की सब्जी और रोटी बना दी है। तो मम्मी को हम लंच दे देते हैं। हेलो गाइस, तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के 6:30 हो चुके हैं, मैंने चाय वगैरह पी ली है और अब मैं काट रही हूँ शाम के ये सब्जी, शाम के डिनर की तैयारी हो रही है। और ये देखिए मैं क्या काट रही हूँ, गोभी। आज मैं गोभी आलू बनाऊंगी क्योंकि मुझे ठीक लगती है, जब स्टार्टिंग में आती है तब तो अच्छी लगती है, तो बहुत ज़्यादा ही मार्केट में आने लग जाती है तो बेकार लगती है, तो आज मैं बना रही हूँ गोभी की सब्जी। मैं गोभी काट लेती हूँ और इसकी बनाएंगे हम सब्जी। ये 1 किलो गोभी है,
एक किलो तो ज्यादा हो जाएगी, तो मैं आधी बना लूंगी, आधी के मैं पराठे बना लूंगी। यही करते हैं। मैं तो अभी सब्जी काट रही हूँ और मम्मी तो सो रही है। मम्मी को थोड़ा सा खांसी जुकाम था, मैंने आपको बताया था, तो पता नहीं वो सोने जा रही है बहुत ज़्यादा। मैंने कहा जब तक वो सोते हैं तो मैं तब तक सब्जी काट लेती हूँ, डिनर रेडी करके उनको दे दूँगी। गोभी की सब्जी तो थोड़ी बहुत ही मुझे सही लगती, पराठे भी सही लगते हैं, ज़्यादा अच्छे नहीं। आलू के पराठे मेरे फेवरेट है, आलू के पराठे मुझे बहुत पसंद है। और आज थर्सडे है, मुझे हमें साईं मंदिर जाना था, लेकिन ना ठंडा बहुत हो रहा है बाहर और मेरे बेटे को भी खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, तो कैंसिल करना पड़ेगा आज का प्रोग्राम, क्योंकि थोड़ा सा पास ही है मंदिर, तो उसके लिए कार निकालना तो ठीक नहीं लगता, फिर वो ट्रैफिक बहुत होता है, गली छोटी है ना, पूरा का पूरा फंस जाती है गाड़ी, तो ट्रैफिक हो जाता है, तो वह तो हम मतलब या तो उससे जाते हैं बाइक वगैरह से, स्कूटी से, तो अब तो कैंसिल है, हस्बैंड चले जाएंगे, वो ऑफिस से आते हुए वहाँ पे मत्था टेक के आ जाएंगे, और इस बार हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया क्योंकि ठंड बहुत हो चुकी है बाहर। अंदर तो इतना पता नहीं चलता, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा पता चलता है ठंड का ना गाड़ी पे। तो ये देखिए मेरी सब्जी कट चुकी है इस बड़े बर्तन में, और अब मैं जा रही हूँ आलू काट लेती हूँ, फिर मैं सब्जी बना लेती हूँ। तो मैं सब्जी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, पर मैं रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि आलू गोभी की सब्जी तो सभी को बनानी आती है, और इसलिए मैं रेसिपी नहीं शेयर करूँगी। और ये कौन आया, कौन आया, आ जाओ बोलियो। ये देखिए आया है मेरा बेटा, ये मेरा बच्चा, इधर देखो। हेलो गुड्डू, उनका बाबू की तबीयत खराब। अरे बाबा, बाबू की तबीयत खराब है, उसको ना खांसी हो रही है ना। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी, मैं उसको दवाई पिला दूंगी और वो ठीक हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, नवी कहाँ पे चढ़ा हुआ है। नवी, आप क्या बोलना चाहते हो बताओ वीडियो में कुछ। ये गणेश भगवान जी है। ओहो, और ये कौन से भगवान जी है? वेरी गुड, ये गणेश भगवान जी का फेस एलिफेंट जैसे बना हुआ है ना, मतलब जो उनकी सूंड होती है, तो उसके लिए कह रहा है एलिफेंट वाले भगवान जी। और ये शिव जी भगवान जी देखो उसके बगल में है ना। और मम्मी पापा कहाँ पर है बताओ, मम्मी पापा कहाँ है? मम्मी तो घर में खाना बनाए, पापा तो ऑफिस जाके। नहीं, वहाँ पर भी तो है मम्मी पापा, ऊपर कप में देखो वहाँ पर। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको दिखाती हूँ, ये हमारी फोटो है, आपकी फोटो है। नहीं, नवी, मम्मी पापा कहाँ गए थे बताओ? मुझे छोड़ के हम यहाँ गए थे, मैं आपसे गुस्सा हो गया। कहाँ चले गए थे हम, कैसे गए थे हम? हेलीकॉप्टर से। ओहो, आपको नहीं ले गए? ओहो, कोई बात नहीं, आपको आपसे गुस्सा हो गया। ओ सॉरी बेटा, अगली बार से लेके जाना। बिल्कुल बिल्कुल, पक्का प्रॉमिस करो मम्मा से। रामेश, मुझे इतना हेलीकॉप्टर प्लेन में अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? हाँ। ठीक है, लेके चलेंगे आपको। तो ये हमारी ना हनीमून की फोटो है, जिसको वो कह रहा मुझे लेके क्यों नहीं गए। मैं आपको दिखाती हूँ अपनी फोटो, अब ना मैंने बात छेड़ दी तो मैं दिखाई देती हूँ। ये हमारी फोटो है, हनीमून की फोटोज है, कपड़े बना रखे हैं। क्वीन दुर्गाश को बोलो कि ना ये मेरा खाना बनाने आया है। ओके, और ये नवी का खाना बनाने वाला है, ठीक है, दिखा दिया मैंने। और कुछ बोलना है, क्या बोलना है? सिंपल भी दिखाना है, सब कुछ दिखा दूँ आपका? हाँ। अच्छा बोल दो, मम्मी के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मम्मी के मैं वीडियो में लाइक और सरप्राइज कर देना। थैंक यू। मेरे हस्बैंड आ चुके हैं ऑफिस से और उन्हें थोड़ा सा ठंडा लग रहा था, तो मैं उनके लिए कॉफी बना रही हूँ, तो उन्हें कॉफी बना के दे देंगे। ये छोटू सा पैकेट है कॉफी का, एक कप बनाने, तो मैंने यही वाला निकाल लिया, एक कप में एक पैकेट बहुत है।
कॉफी बन के हो चुकी है रेडी, तो चलते हैं हस्बैंड जी को कॉफी दे देते हैं। गाइज मेरा डिनर वगैरह सब हो चुका है, मैं यहाँ पे दूध गर्म कर रही हूँ अपने हस्बैंड और सासू माँ के लिए, नवी के लिए। तो अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय।